और अब खबर सतना से है। आदिवासी के मकान पर चला बुलडोजर। 40 सालों से परिवार इसमें रह रहा था और बिना नोटिस दिए ही कार्रवाई की गई है, जिसको लेकर नाराजगी भी है। बारिश के मौसम में कार्रवाई की गई, अतिक्रमण को लेकर ये कार्रवाई हुई है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर पहले से इन्हें नोटिस क्यों नहीं दिया गया, इनके रहने के लिए व्यवस्था क्यों नहीं की गई बारिश के समय में। जब अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई की गई है तो सवाल यह है कि ये परिवार आखिर अब जाएंगे कहां। वेंकटेश द्विवेदी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। वेंकटेश, क्या नोटिस पहले से इन्हें दिया गया था कि यहां से इन्हें हटना है, या बारिश के मौसम में जब कार्रवाई की गई है तो इनके रहने के इंतजाम को लेकर कोई जानकारी है क्या? से ये पूरा मामला सामने आया है इसमें कि जो नगर पंचायत अमरपाटन नगर पंचायत उनके द्वारा ये कार्रवाई की गई है। तो निश्चित रूप से जो कि बरसात के दिनों में आमूमन ये देखा जाता है कि कानूनी प्रक्रिया है कि बरसात में ऐसे आदिवासी परिवार, वो भी आदिवासी हैं, उनको अगर किसी प्रकार से अगर अवैध अतिक्रमण है तो वो बरसात में उन्हें न हटाया जाए। ये पहले भी जो है तो मंत्रियों के द्वारा इस तरीके से बयान भी किए गए हैं, लेकिन ये जो अमरपाटन का जो मामला है यहाँ पर बिल्कुल एक जो वहाँ के आदिवासी उनका सीधा आरोप है कि मंत्री के भाई के दबाव में आकर के ये आदिवासी जो है वो उनको तोड़ा गया है और बगैर नोटिस दिए ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।